सवाल नंबर एक, चांद पर खेले जाने वाला पहला खेल कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी कबड्डी, सी गोल्फ, डी क्रिकेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्फ। सवाल नंबर दो, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए केला, बी सेब, सी आम, डी पपीता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पपीता फल। सवाल नंबर तीन, किस त्योहार को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए बैसाखी, बी दीपावली, सी होली, डी रक्षाबंधन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दीपावली त्योहार। सवाल नंबर चार, कौन सा पक्षी सोते समय अपना पैर ऊपर करके सोता है? आपका ऑप्शन है ए कौवा, बी मोर, सी टिटहरी, डी तोता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टिटहरी पक्षी। सवाल नंबर पांच, सात अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए ताजमहल, बी जंतर मंतर, सी लाल किला, डी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ताजमहल। सवाल नंबर छह, एक च्युइंगम को पचने में कितने साल लगते हैं? आपका ऑप्शन है ए दो साल, बी चार साल, सी सात साल, डी आठ साल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सात साल। सवाल नंबर सात, नींबू पानी किस रोग को ठीक करता है? आपका ऑप्शन है ए कब्ज, बी पथरी, सी शुगर, डी पेट दर्द। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कब्ज। सवाल नंबर आठ, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए चार वर्ष, बी पांच वर्ष, सी छह वर्ष, डी आठ वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पांच वर्ष का। सवाल नंबर नौ, किस जीव का खून सफेद रंग का होता है? आपका ऑप्शन है ए सांप का, बी मछली का, सी उल्लू का, डी कॉकरोच का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कॉकरोच का। सवाल नंबर 10, पढ़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बांस के, बी आम के, सी जामुन के, डी कटहल के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांस के। सवाल नंबर 11, कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आगरा में, बी जयपुर में, सी दिल्ली में,
डी हैदराबाद में। इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है, यदि आपको मालूम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी धमाकेदार एंड मजेदार एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।